गुड मॉर्निंग एवरीवन, कंटिन्यूइंग विद अवर लास्ट लेक्चर, नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है दैट इज डेवलपमेंटल फंक्शंस क्या है आरबीआई के, या इसी टॉपिक को हम कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन क्या है आरबीआई का इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें जो हम चीज़ें देख रहे हैं दैट इज़ कि आरबीआई क्या क्या फंक्शंस करती है जिससे हेल्प होती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट करती है उसके वेरियस, वो डिपेंड करती है उस डेवलपमेंट ऑफ उसके वेरियस सेक्टर्स के ऊपर। वो कौन कौन सी है? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, सर्विसेज। और इसके लिए जो आरबीआई है वो किस तरीके से काम करती है? आरबीआई कलेक्ट करती है, कंपाइल करती है, पब्लिश करती है डाटा रिलेटेड टू वेरियस सेक्टर्स ऑफ दी कंट्री, और हेल्प इससे गवर्नमेंट को हेल्प होती है इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, इकोनॉमिक प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग। जो आरबीआई है वो फॉर्मुलेट करती है मॉनेटरी पॉलिसी इन्हीं प्लान प्रायोरिटीज के बेसिस पे, और जो क्रेडिट रिक्वायरमेंट है वेरियस सेक्टर्स की इकोनॉमी की उसे पूरा करती है सो एज टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो डेवलपमेंटल फंक्शन है आरबीआई की वो क्या क्या है? सबसे पहला है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। क्रेडिट नीड्स जो एग्रीकल्चर सेक्टर की है उसे मीट आउट करने के लिए आरबीआई ने सबसे पहले जिस डिपार्टमेंट को सेटअप किया था वो था आपका एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट एंड एग्रीकल्चर रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। 1966 में कोऑपरेटिव बैंक्स को जो थे उन्हें अंडर द कंट्रोल ऑफ आरबीआई लाया गया ताकि उसे रेगुलेट किया जा सके उनकी फंक्शनिंग को डिजायर्ड डायरेक्शंस पे। एट स्टेट लेवल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, डिस्ट्रिक्ट लेवल सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, और एट विलेज लेवल प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज जो हैं वो मीट आउट करती हैं एग्रीकल्चरल क्रेडिट की नीड को। एट प्रेजेंट जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो अंडर द कंट्रोल ऑफ नाबार्ड हैं। इन 1975 जो रीजनल रूरल बैंक्स थे उन्हें सेटअप किया गया जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स और जो रूरल वर्कर्स हैं उनकी क्रेडिट नीड्स को पूरा करने के लिए। 1982 में नाबार्ड को सेटअप किया गया और नाबार्ड की फॉर्मेशन के साथ जो भी सारे फंक्शंस थे एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई के, रीफाइनेंस फंक्शंस थे एग्रीकल्चर रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के, उन्हें हैंडओवर कर दिया गया नाबार्ड को। और ये कंसेशनल रीफाइनेंस प्रोवाइड करवाते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स को, रीजनल रूरल बैंक्स को। देन नेक्स्ट है आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जो आरबीआई है उसने सेटअप किए हैं वेरियस डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे आईएफसीआई, आईसीआईसीआई, आईडीबीआई, स्टेट स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, ताकि लॉन्ग टर्म क्रेडिट नीड्स जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर की वो मीट आउट हो सके। आईएफसीआई, आईसीआईसीआई, आईडीबीआई लोन प्रोवाइड करवाते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को। सिडबी लोन प्रोवाइड करवाती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को। इसी तरीके से आईआईबीआई कैटर करती है क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स की नीड सिक इंडस्ट्रीज की, और एसएफसीज और एसआईडीसीज ऑपरेट करते हैं स्टेट लेवल पे। IIFCL प्रोवाइड करवाता है लॉन्ग टर्म लोन्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। तो वेरियस जो पार्ट्स हैं, एरियाज हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, उनके लिए अलग अलग डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस खोले गए ताकि उनकी जो क्रेडिट नीड्स हैं उसे पूरा किया जा सके। देन नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ फॉरेन ट्रेड। इसके लिए इंडियन इकोनॉमी ग्लोबलाइजेशन होने से ग्लोबल इकोनॉमी के साथ उसको इंटीग्रेट करने के लिए जो इम्पोर्टेंस है फॉरेन ट्रेड की वो इंक्रीज हुई। तो फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करने के लिए क्रेडिट नीड्स एक्सपोर्ट हाउसेस की, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स की और इम्पोर्टर्स की मेट आउट करने के लिए जो बैंक्स हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस तो करते ही हैं, आरबीआई ने स्पेशली सेटअप किया एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया 1982 में, ताकि फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाई जा सके एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स को। द नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ पिल मार्केट। ऑर्गेनाइज्ड पिल मार्केट भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए, और बिल मार्केट को डेवलप करने के लिए जो आरबीआई है उसने सीरियस एफर्ट्स किए। आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया फर्स्ट बिल मार्केट स्कीम 1952 में, देन 1970 में एक न्यू बिल मार्केट स्कीम को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन स्टिल आप कंट्री की जो डेवलप बिल मार्केट है उसे डेवलप नहीं कह सकते। नेक्स्ट है जो हमारा दैट इज़ रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ आरबीआई।
आरबीआई रेगुलेट करता है एंटायर बैंकिंग सिस्टम को इकोनॉमी में, तो रेगुलेट करता है कितना वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट इकोनॉमी में सर्कुलेट करेगा। तो जो मेन रेगुलेटरी फंक्शन है आरबीआई के, वो क्या है? पहला है रेगुलेशन ऑफ बैंक्स। जो आरबीआई है वो रेगुलेट करती है बैंकिंग सिस्टम इकोनॉमी का। इसका जो मेन फंक्शन है दैट इज फाइनेंशियल इंक्लूशन करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक को बैंकों के साथ जोड़ना, बैंकिंग को कैसे एक्सपैंड करना है और इन ऑल दी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, वो आरबीआई देखती है। आरबीआई इशू करती है डायरेक्शंस वेरियस बैंक्स को सेटअप करने के लिए रूरल ब्रांचेस, रेगुलेट और डेवलप करती है बैंक्स को डिजायर्ड डायरेक्शन में। इसके लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 पास हुआ। 1966 में कोऑपरेटिव बैंक्स को अंडर द रेगुलेशन ऑफ आरबीआई लाया गया। 1969 में 14 मेजर कमर्शियल बैंक्स को नेशनलाइज किया गया। देन अगेन 1980 में 6 कमर्शियल बैंक्स को नेशनलाइज किया गया। 1975 में रीजनल रूरल बैंक्स को सेटअप किया गया। 1982 में नबार्ड को सेटअप किया गया। 1993 में डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग सुपरविजन को सेटअप किया गया। देन 1993 में आरबीआई ने अलाउ किया ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को आरबीआई से लाइसेंस लेके वो सेटअप कर सकते हैं अपने आप को। देन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को सेटअप 1993 के बाद जो सेटअप हुए उन्हें न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कहा गया, और उससे पहले जो थे उन्हें ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कहा जाता है। इन 2014 आरबीआई ने अलाउ किया पेमेंट बैंक्स ऑफ इंडिया को सेटअप करने के लिए। देन जो नेक्स्ट आता है दैट इज़ क्रेडिट रेगुलेशन, कंट्रोल क्रेडिट को करना मेन फंक्शन है आरबीआई का। और क्रेडिट कंट्रोल का मतलब है क्रेडिट को, जो मनी है उसकी सप्लाई को अपने कंट्री में एक्सपैंड करना है या कॉन्ट्रैक्ट करना है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ इकोनॉमी, उसे करना। तो अगर कंट्री को ज़्यादा क्रेडिट की रिक्वायरमेंट है इकोनॉमी को, तो जो क्रेडिट है वो एक्सपैंड आपको करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको लिबरल मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। अगर सप्लाई की जो है सप्लाई क्रेडिट की उसे आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए आपको स्ट्रिक्ट मॉनेटरी पॉलिसी को फॉलो करना पड़ेगा। और इसके लिए वेरियस मेजर्स हैं, वेरियस इंस्ट्रूमेंट हैं, जिन्हें हम क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल और क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल या सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल जिसे हम कहते हैं उसमें डिवाइड करते हैं, जो आप आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो ये थे फंक्शंस जो आरबीआई करती है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अचीवमेंट्स, क्या है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सक्सेसफुल रहा है डेवलप करने में, प्रमोट करने में साउंड बैंकिंग प्रैक्टिसेस कंट्री में, और इससे जो पब्लिक का कॉन्फिडेंस है बैंकिंग सिस्टम में वो इंक्रीज हुआ है। तो वेरियस जो अचीवमेंट्स हम कह सकते हैं वो क्या क्या हैं। पहला है एक्टिव एंड फ्लेक्सिबल मॉनेटरी पॉलिसी। जो मॉनेटरी पॉलिसी है आरबीआई की उसमें वो चेंज होती है अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक कंडीशंस एंड रिक्वायरमेंट। तो अगर रिक्वायरमेंट है ज़्यादा फंड्स की इकोनॉमी में, तो जो आरबीआई है वो फॉलो करती है लिबरल मॉनेटरी पॉलिसी। इन्फ्लेशन रेट हाई है तो आरबीआई डिक्रीज कर देती है सप्लाई ऑफ मनी बाय अडॉप्टिंग टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। देन इनकरेज करती है सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स को। आरबीआई अडॉप्ट करती है मॉनेटरी पॉलिसी को इस तरीके से कि इनकरेज कर सके पब्लिक को कि वो ज़्यादा सेव करे। इसके लिए जो आरबीआई है इंटरेस्ट ऑन जो डिपॉजिट है उसे रीजनेबली हाई रखती है, ताकि जो सेविंग्स है वो अट्रैक्ट हो पाए। और जब सेविंग्स अट्रैक्ट हो रही हैं, प्रमोट हो रही है, तो इन्वेस्टमेंट भी प्रमोट होगी, और जो आरबीआई है हेल्प करती है इन प्रमोटिंग कैपिटल फॉर्मेशन, और उससे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। देन इफेक्टिवली वो मैनेज करती है गवर्नमेंट के फंड्स को, हैंडल बैंकिंग एक्टिविटीज सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट्स की इफेक्टिवली करती है। देन ईजी अवेलेबिलिटी करवाती है एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए का, इसके लिए प्रमोट करती है एग्रीकल्चर एंड रूरल क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स और नाबार्ड के थ्रू। ईजी अवेलेबिलिटी करवाता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट का, इस फील्ड में नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस ओपन करके IFCI, SIDBI, IBI एक्सेट्रा जो है ओपन करके, जो मीडियम प्रोवाइड करवाता है मीडियम एंड लॉन्ग, और जो लोन प्रोवाइड करवाता है मीडियम एंड लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल क्रेडिट के लिए, उसे प्रमोट करती है आरबीआई। देन लिबरल क्रेडिट टू एक्सपोर्ट सेक्टर, इसके लिए एग्जिम बैंक जो आरबीआई ने वो सेटअप किया है, ताकि जो एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स हैं उन्हें वेरियस फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जा सके। देन मैनेज करती है फॉरेन एक्सचेंज कंट्री का, जो कंट्री की करेंसी है उसको स्टेबिलिटी मेंटेन करवाती। देन इफेक्टिव क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी वो प्रोवाइड करवाती है RTGS, NEFT, ECS के थ्रू। प्रोविजन करवाती है यूजफुल इंफॉर्मेशन
और डाटा को प्रोवाइड करवाती है वेरियस पब्लिकेशंस करके। ये सारे पॉइंट डिटेल्स में हम ऑलरेडी और पिछले जो टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के वो उसमें कवर कर चुके हैं। देन रिजर्व बैंक यूजफुल सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके, डाटा प्रोवाइड करके डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी के बारे में थ्रू इट्स वेरियस पब्लिकेशंस, जैसे आरबीआई बुलेटिन, हैंड बुक्स ऑफ स्टेटिस्टिक्स ऑन इंडियन इकोनॉमी, रिपोर्ट ऑन ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया एक्सेट्रा, जो हेल्प करते हैं इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, इकोनॉमिक प्लानिंग एंड रिसर्च इन द कंट्री। देन गार्जियन है बैंकिंग सिस्टम का, आरबीआई जो है एज अ गार्जियन एक्ट करता है बैंकिंग सिस्टम का, बैंकिंग सिस्टम को मेंटेन करना, उसे डेवलप करना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आरबीआई की है। इसी पर्पस के लिए आरबीआई ने सेटअप किया डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन 1962 में, जो प्रोवाइड करवाता है प्रोटेक्शन बैंक डिपॉजिटर्स को और गारंटी कवर देता है बैंक्स को क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाने के लिए स्मॉल बोरोअर्स को। देन इसके अलावा अदर अचीवमेंट्स जो आरबीआई की रही हैं वो क्या हैं कि फास्ट रेड्रेसल करना कस्टमर ग्रीवियंसेस की, इसके लिए बैंकिंग ऑबिट्समैन का जो ऑफिस है उसने स्टार्ट किया। देन आरबीआई प्रमोट करता है ई बैंकिंग, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग को प्रमोट करता है, यूज़ प्लास्टिक मनी को, एटीएम से एक्सेट्रा को। देन जो रिजर्व बैंक है वो सेटअप करता है, उसने सेटअप किए हैं नंबर ऑफ ट्रेनिंग सेंटर्स और कॉलेजेस ताकि ट्रेनिंग इम्पार्ट की जा सके जो कोऑपरेटिव बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, नाबार्ड का स्टाफ है उनको। जो आरबीआई है वो इफेक्टिव रहा है इन रेगुलेटिंग एंड डेवलपिंग वेरियस सेगमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फेलियर्स क्या क्या रहे हैं रिजर्व बैंक के। तो सबसे पहली जो चीज़ है दैट इज़ लैक ऑफ कंट्रोल ऑन अनऑर्गेनाइज बैंकर्स। जो अनऑर्गेनाइज बैंकर्स होते हैं जैसे साहूकार, महाजन्स जो होते हैं आप रूरल एरियाज में, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कंट्रोल से बाहर हैं और वो अनफेयर प्रैक्टिसेस में इंडल्ज होते हैं जिसकी वजह से इकोनॉमी को इफेक्ट होता है। नेक्स्ट इज इनसफिशिएंट बैंकिंग फैसिलिटीज। दो बहुत सारे मेजर्स आरबीआई ने लिए हैं लेकिन स्टिल बैंकिंग नेटवर्क जो है स्मॉल विलेजेस और रिमोट एरियाज में नहीं पहुंच पाई है। नेक्स्ट अंडर डेवलप बिल मार्केट। बिल मार्केट को डेवलप करने के लिए आरबीआई ने दो बार कोशिश की 1952 में और 1970 में, लेकिन स्टिल बिल मार्केट उतनी डेवलप नहीं हो पाई। नेक्स्ट इज लेस इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। जो आरबीआई के दो ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक की क्रेडिट सप्लाई को या जो क्रेडिट है उसको, उसकी जो सप्लाई है उसको कंट्रोल करना और दूसरा इकोनॉमिक ग्रोथ करना और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। दोनों जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। तो ग्रोथ को प्रमोट अगर आपको करनी है तो आपको मनी की सप्लाई इंक्रीज करनी होगी। मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तो इन्फ्लेशन होगी। तो लेस इफेक्टिव जो है आरबीआई रही है इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। फेलियर इन प्रोटेक्टिंग एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ इंडियन रुपी। इंडियन रुपी जो है वो कॉन्स्टेंटली डेप्रिशिएट किया है मेजर इंटरनेशनल करेंसीज में, उसमें फेलियर वो रही है। इनसफिशिएंट अवेलेबिलिटी एग्रीकल्चर क्रेडिट को प्रोवाइड करवाने में वो फेलियर रही है। जो इंडिजीनियस बैंकर्स हैं, जो साहूकार महाजन्स होते हैं, वो ज़्यादा डोमिनेट रूरल एरियाज में करते हैं तो इसीलिए ये प्रॉब्लम जनरेट होती है। नेक्स्ट इज इनएडिक्वेट क्रेडिट फैसिलिटी वो प्रोवाइड करवा पाई है माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को। वो ज़्यादातर डिपेंड करते हैं इंडिजीनियस बैंकर्स पे, जो आरबीआई है वो उसके कंट्रोल से बाहर है। देन इनसफिशिएंट क्रेडिट प्रोवाइड करवाना सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स को। लैक ऑफ स्पेशलाइज्ड डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का होना ताकि प्रोवाइड करवाया जा सके क्रेडिट सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स को, एक रीज़न रहा है आरबीआई के फेलियर का। देन बैंक स्कैम्स, जैसे पंजाब नेशनल बैंक का स्कैम हुआ, नीरव मोदी का स्कैम हुआ, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की जो प्रॉब्लम है उसे कंट्रोल करने में आरबीआई फेलियर रही है। देन लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन रेट ऑफ इंटरेस्ट। आरबीआई ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रही है इन ब्रिंगिंग यूनिफॉर्मिटी इन रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। एक्सेसिव सीजनल फ्लक्चुएशंस होने की वजह से इंटरेस्ट रेट्स में ड्यूरिंग बिजी सीजन्स जो इंटरेस्ट रेट है हाई हो जाते हैं, लो सिक्स लाख सीजन में कम हो जाते हैं। तो वाइड डिफरेंसेस होते हैं इंटरेस्ट रेट्स में ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सेक्टर्स में भी। तो ये भी एक फेलियर रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। लेकिन इन सब फेलियर्स के बाद भी जो आरबीआई है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन प्रमोटिंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।